अलवर में रहने वाले सीआरपीएफ जवान अजीत सिंह यादव नक्सलियों से तो जाबाजी से लड़े, लेकिन वो अपनी जिंदगी की जंग नहीं जीत पाए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में घायल अजीत ने मंगलवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घर में शहीद अजीत सिंह की खबर मिलते ही शोक की लहर दौड़ गई और शहीद अजीत सिंह का पार्थिव देह गंडाला पहुंचते ही चारों ओर मातम छा गया। बता दें कि शहीद अजीत सिंह ने 10 साल तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी। वहीं 10 फरवरी को नक्सलियों और सीआरपीएफ कोबरा 204 बटालियन के जवानों के बीच ये मुठभेड़ में उन्हें सीने में गोली लगी थी। इसके बाद से वो अस्पताल में भर्ती थे। तो नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल हुए अजीत जो शहीद हुए हैं, उन्हें नक्सलियों के सामने वो डटकर लड़े। सीआरपीएफ कोबरा 204 बटालियन के जवानों के बीच ये मुठभेड़ हुई थी जिसका हिस्सा अजीत भी थे। जुगल किशोर जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जुगल, वाकई एक गर्व की बात भी है, लेकिन एक बेटा जब जाता है तो जाहिर है दुख बहुत ज्यादा होता है, वहां का जरा माहौल बताइए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस तरीके का यहाँ माहौल देखा गया, सुबह जब पार्थिव देह यहाँ शहीद अजीत सिंह की पार्थिव देह यहाँ गांव पहुंची थी तो वही बात सामने आई थी जैसा आप कह रहे हैं। निश्चित रूप से गमगीन माहौल तो होता ही है, लेकिन गर्व भी महसूस किया जाता है कि जिस तरीके से अजीत सिंह ने अपने प्राण न्यौछावर की है, देश के लिए उसने प्राण न्यौछावर की है, उस बात को लेकर ग्रामीणों में परिजनों में एक गर्व तो महसूस हो ही रहा है। लेकिन जब पार्थिव देह वहां पहुंची, जिस तरीके का वहां माहौल गमगीन नजर आया, वो सबकी आंखें नम थी, परिजनों के हाल बेहाल थे, क्योंकि सपूत के खोने का गम तो निश्चित रूप से होता ही है। बिल्कुल, यह जो मामला है बहरोड़ के, अलवर जिले के बहरोड़ के जो गंडाला गांव का